नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपनी ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए आपको अपनी डायबिटीज़ की दवाओं के साथ अपनी डाइट और एक्सरसाइज में भी एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं, ये सभी पॉइंट्स आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ में आपको अपनी डाइट में किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डायटोक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायटोक हेल्थ पर हम आपको साइंटिफिकली बैक्ड सही मेडिकल जानकारी आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध है, और आगे भी ऐसी ज़रूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर को कंट्रोल करने के अलावा डाइट में बदलाव के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप अगर ओवरवेट हैं तो आप अपना वज़न कम करके आप डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से अपना बचाव कर सकते हैं या उन्हें डिले कर सकते हैं। आप चुस्त दुरुस्त महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ में आपको क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ में आप अपनी पसंद के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा सकते हैं तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। आप अपनी पसंद के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कभी कभार खा सकते हैं, पर आपको पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डायबिटिक डाइट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खाने में तरह तरह के फूड आइटम्स शामिल करें, जैसे कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जिनमें आते हैं गाजर, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, ककड़ी, भिंडी। अगला है स्टार्ची सब्जियां जिनमें आते हैं आलू, मटर, कॉर्न, शकरकंदी, चुकंदर। इसके बाद आते हैं मौसमी फल जैसे कि ऑरेंज, तरबूज, बेरीज, सेब, केला, अंगूर। अगला फूड आइटम है ग्रेन्स। आपके एक दिन का भोजन का जो आधा हिस्सा है होल ग्रेन्स का होना चाहिए, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं गेहूं, चावल, ओट्स, जौ या फिर जो लेटेस्ट फूड है क्विनोआ। इन्हें आप रोटी, डोसा, इडली, चीला किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोटीन के सोर्सेज की, जिसमें आते हैं दूध, दही, चीज़, नट्स, मूंगफली, दालें, मटर, एग्स, लीन मीट, चिकन, फिश। फैट्स में आप बटर और घी की जगह प्लांट बेस्ड फैट्स शामिल करें, जिसमें आते हैं कच्ची घानी के सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ओलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल। अपनी डाइट में दूसरे फैट्स जैसे कि नट्स, सालमन फिश, टूना फिश आदि भी आप शामिल करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जिनको आपको डायबिटीज़ में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आते हैं स्वीट्स जैसे कि मिठाई, केक्स, मफिन्स, पेस्ट्री, डोनट, आइसक्रीम, कैंडी आदि। क्योंकि फ्राइड फूड्स या तले हुए खाद्य पदार्थ में ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, आपको इन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। आपको सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि घी, मक्खन, बटर, डालडा आदि भी अवॉइड करने चाहिए। डायबिटीज़ में ज़्यादा नमक वाले फूड आइटम्स भी आपको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, इसलिए अपनी डाइट में नमक कम ही लें आप। आपको शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि पैक्ड जूसेस, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स ये आदि भी नहीं पीने चाहिए। इन शुगरी ड्रिंक्स की बजाय पानी आपके लिए बेस्ट ड्रिंक है। अपनी चाय और कॉफ़ी में शुगर सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें जो बाज़ार में शुगर फ्री जैसे नामों से उपलब्ध है। अगर आप शराब पीते हैं तो उसे आप तुरंत बंद करें, पर अगर आप अल्कोहल फिर भी लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि अल्कोहल आपकी शुगर की जो मात्रा है उसे ज़्यादा कम कर सकता है, इसलिए अल्कोहल के साथ हमेशा कुछ खाएं। खाली पेट अल्कोहल कभी ना पिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको कितना खाना खाना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपने वेट के अनुसार डॉक्टर और डाइटिशियन की राय लेकर एक वेट लॉस प्लान बनाएं, जिसमें आपको अपनी कैलोरीज इनटेक कम करनी होगी और हेल्दी फूड आइटम्स अपने खाने में शामिल करने होंगे। डायबिटीज़ में कितना खाएं, ये कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है प्लेट मेथड और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। पहले हम प्लेट मेथड की बात करते हैं। इस मेथड में आप प्लेट के पोर्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि प्लेट में आप कितना खाना परोस रहे हैं इसे कंट्रोल करना है। ये मेथड लंच और डिनर के लिए बेस्ट है। आप एक 9 इंच की प्लेट लें,
इसके आधे भाग में आप नॉन स्टार्ची सब्जियां लें, एक चौथाई भाग में प्रोटीन के सोर्सेज लें, और बचे हुए एक चौथाई हिस्से में आप ग्रेन्स जैसे कि रोटी या चावल या स्टार्ची वेजिटेबल्स इन्हें इंक्लूड करें। इसके साथ आप एक छोटा प्याला ताज़ा फल और एक ग्लास दूध भी ले सकते हैं। आपके रोज़ के डाइट प्लान में मील्स के बीच में छोटे स्नैक्स भी शामिल होने चाहिए। अगला तरीका है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग या कार्ब काउंटिंग। इस मेथड में आप एक दिन में कितने कार्ब्स लेते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार्ब्स आपके शरीर में जाके ग्लूकोज बनाते हैं जिससे आपके शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप कार्ब्स को गिनते हैं तो आप अपने इंसुलिन का डोज भी इसके अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये तरीका उन डायबिटिक्स के लिए बेस्ट है जो लोग इंसुलिन पर हैं। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कितने ग्राम हैं। इसके लिए आप किसी भी अच्छी कैलोरी काउंटर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके दोस्तों कार्ब्स आप ताज़े फल होल ग्रेन्स बीन्स और लो फैट मिल्स से ही लें और रिफाइंड फूड्स और शुगर को कम कर दें। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कब कब खाना चाहिए। कुछ डायबिटीज़ के मरीज़ों को दिन में सेम टाइम पर खाना खाना ज़रूरी हो जाता है। आप डायबिटीज़ की कौन सी दवा ले रहे हैं और किस समय पर ले रहे हैं और क्या आप इंसुलिन ले रहे हैं इस पर भी आपके मील की टाइमिंग निर्भर करती है। क्योंकि अगर आप दवा सेम टाइम पर ले रहे हैं पर खाना समय पर नहीं खा रहे हैं तो आपकी शुगर ज़्यादा कम हो सकती है, पर अगर आप मील टाइम इंसुलिन ले रहे हैं जो खाने से जस्ट पहले ली जाती है तो आप अपनी मील का समय अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से इस बारे में भी आप ज़रूर पूछें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे आप अपने आहार में कुछ बदलाव करके अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली एक बहुत ही कॉमन दवा है, पर इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। मेटफॉर्मिन की डिटेल में जानकारी पाने के लिए आप राइट में दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल डायडॉग हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।